पति को अपनी पत्नी की इन चार चीजों पर हर समय नजर बनाकर रखनी चाहिए तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही रोचक किस्सा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे निवेदन है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको कहानियों के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें सुनाता रहता हूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आदमी को स्त्री की किन चीजों को देखते रहना चाहिए जिससे उसे कभी पछताना ना पड़े, कभी दुखी होना ना पड़े, तो आइए इस कहानी को ध्यान से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में विक्रांत नाम का एक धनी साहूकार रहता था। सुरजा नाम की उसकी एक बेटी थी जो देखने में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। रूप और यौवन से इतनी संपन्न थी कि इंद्र भी लालायित होने लगे। एक दिन की बात, सुरजा अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन को घर से निकली। चलते चलते जब वो देवी के मठ के निकट पहुंची तो वहां उसे एक वैश्य कुमार ने देखा। वो लड़का उसकी मोहनी मूरत पर मोहित हो गया। वो उसे काफी देर तक निहारता रहा, सोचने लगा, ऐसी सुंदर कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। कामदेव के बाणों ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि वो उसके प्रेम में बुरी तरह घायल हो चुका था। सुरजावती देवी के दर्शन करके अपने घर को लौट आई। उधर वो वैश्य कुमार उसकी यादों में करवटें बदलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सुरजा की वो अलौकिक छवि आ जाती थी। जैसे तैसे करके उसने रात बिताई। सवेरा होते ही वो साहूकार के बगीचे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, आज जब वो आएगी तो मैं उससे अपने मन की बात कह दूंगा। मित्रों, संयोग से उस दिन सुरजा अपने बाग में टहलने के लिए गई, उसकी सहेलियां पीछे रह गईं। मौका पाकर वो वैश्य कुमार सुरजा के पास पहुंचा और बोला, हे चंद्रबदनी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद, सारा सुख चैन नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता। अगर आप चाहती हैं कि मैं बेमौत ना मरूं तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो और एक बार मेरे गले में लिपट जाओ। मित्रों, उस वैश्य कुमार की बात सुनकर सुरजावती कहने लगी, हे युवक, मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और पक्का कर दिया है। थोड़े ही दिनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूं, इसलिए आप मेरी आस छोड़कर चले जाइए। यदि मेरे पिता ने जान लिया तो वे तुम्हें यहां के राजा से कहकर फांसी पर चढ़वा देंगे। प्रिय बंधुओं, कहते हैं जिस तरह कौवा रात में नहीं देख सकता, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष को ना दिन में दिखता है ना रात में। वो लड़का उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। मित्रों, लड़के की अत्यंत जिद देखकर सुरजावती ने पहले तो उसे समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो सुरजावती ने उससे एक बात कही, देखो मेरा विवाह तय हो चुका है, मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती। हाँ, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूं कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी, पहले तुम मेरा विवाह हो जाने दो, मेरा पिता कन्यादान का फल प्राप्त कर ले, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मित्रों, इतना कहकर सुरजावती अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद सुरजावती के पिता ने उसका विवाह कर दिया। वो वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा कि वो कौन सा दिन होगा जब सुरजावती उसके साथ एक रात बिताएगी। इधर जब कई दिन बीत गए पर सुरजावती अपनी ससुराल से लौटकर नहीं आई, तो वैश्य कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे उस दिन झूठा वादा करके चली गई हो। यही सोचकर वो काबी युवक सुरजावती की ससुराल का पता लगाता हुआ उसी के गांव में पहुंच गया और एक भिक्षुक का रूप बनाया और भिक्षा मांगते मांगते सुरजावती के द्वार पर भी जा लगा। उधर सुरजावती जब भिक्षा लेकर आई तो वो उसे देखते ही पहचान गया और बोला, प्रिय, क्या तुमने हमसे झूठा वादा किया था कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगी? तुम्हें पता है मैंने इतने दिन कैसे गुजारे हैं, एक एक दिन एक एक वर्ष के समान व्यतीत हुआ है। भिक्षुक की बात सुनकर सुरजावती कहने लगी, देखो मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो, आज रात में तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम नगर से बाहर तालाब के किनारे बगीचे में मेरा इंतजार करना। मित्रों, इतनी बात सुनकर उस वैश्य कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ये सोचने लगा कि किसी भी तरह सूर्य दिन में ही अस्त हो जाए। जैसे तैसे करके उसने दिन व्यतीत किया। जब रात हो गई तो वो उसी बगीचे में छुपकर बैठ गया।
और सुरजावती के आने का इंतजार करने लगा। इधर सुरजावती ने क्या किया, परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और कुछ भोजन एक थाली में रखकर अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी भी जाग रहा था। उसने अपनी पत्नी सुरजावती का जब आलिंगन करना चाहा, तो उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग पर उदास मुद्रा में होकर बैठ गई। आंखों में आंसू थे। उदास देखकर पति ने सोचा, जरूर आज इससे किसी ने भला बुरा कह दिया होगा, या हो सकता है मुझसे कोई भूल बन गई हो। सुरजावती का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण पूछने लगा। कहने लगा, प्रिय, काफी दिन से तुम अपने पिता और माँ से नहीं मिल पाई हो, कहीं तुम इसलिए उदास तो नहीं, या हमारे घर में किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है। पत्नी किसी बात को लेकर दुखी रहे और पति उस पर ध्यान ना दे, ऐसे पति को धिक्कार है। माता पिता से अलग होकर अपने बहन भाइयों को त्याग कर अपने मायके के समस्त संबंधियों को भुलाकर एक पत्नी एक स्त्री सिर्फ पति के आश्रय में रहने के लिए ही आती है। चाहे सास पूछे या ना पूछे, ससुराल में कोई बात करे या ना करे, पर पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए। वो किस तरह खुश रहेगी, उसे हर तरह से खुश रखना चाहिए। पुरुष अगर पत्नी की इन चार बातों पर नजर बनाए रखे तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, वो अपने माँ बाप से अलग होकर अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। दूसरी बात, पूरे घर का काम करते करते कहीं वो थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है, कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया है और वो आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। वो आपसे ना भी कहे तो भी उसकी समस्या को समझकर पति को चाहिए कि उसका भार कम करे। नंबर तीन, घर परिवार में कोई उसे व्यर्थ परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई उसे अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। नंबर चार, कहीं घर में रहते रहते वो बोर तो नहीं हो रही है? यदि ऐसा है तो पति उसे अपने साथ बाहर घुमाने ले जा सकता है। कई बार घर की पत्नियों की ये आदत होती है कि छोटी मोटी बीमारी को वे छुपा जाती हैं। पति का धन खर्च ना हो जाए इसलिए वे अपने कष्ट को सहन कर लेती हैं, पति से कहती नहीं। तो पति को चाहिए कि उनके स्वास्थ्य को लेकर हर समय सक्रिय रहे। इसके विपरीत पति को इन बातों पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए कि किसी की गलत संगत से उसकी स्त्री का चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा है, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अकेली बाहर तो नहीं घूमने जाती है, घर पर अपने मित्र या रिश्तेदारों का व्यर्थ आना जाना तो नहीं लगा है, पड़ोसियों के घर अधिक उठा बैठी तो नहीं है। कई बार हमारी लापरवाही उनके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं, अन्य पुरुषों के साथ एक साथ रहना, उठना बैठना, सामने होकर भी बातचीत करना, हद से ज्यादा स्वतंत्र छोड़ देना, दूसरे के घर में निवास करने देना, ये सब नारियों के लिए दोष बताए हैं, इनसे दूर रखना ही उचित है। शुक्र नीति कहती है कि एक समझदार और सुशील स्त्री घर पर यदि पति पिता पुत्र ससुर राजा और बंधु बांधव आ जाएं तो उन्हें समय देना चाहिए और घर के कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्रों से भी व्यर्थ मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के चरित्र को बिगाड़ने का काम करते हैं। अचानक दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं, आजाद स्त्रियों की निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। उत्तम स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसीलिए उनका सील नहीं बिगड़ता, कुल की निंदा भी नहीं होती। प्रिय बंधुओं, सुरजावती के उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वो कहने लगी, हे प्रियतम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं, यदि आप मेरी गलती को क्षमा कर दो तो। पति बोला, हां प्रिय, मैं तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा, तुम बोलो तो सही। तब सुरजावती बड़े दुख और शर्म के साथ अपने पति को बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है, एक वैश्य कुमार मेरी सुंदरता पर रीझ गया था। कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया, भोजन नहीं करता था। एक दिन वो मेरे बगीचे में आया और बोला कि यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दूंगा।
मैं उसके मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गई। मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह तय हो गया है, कि मैं अब किसी अन्न को स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन वो किसी भी तरह समझने को तैयार न था। तब मैंने उससे एक वादा किया कि मैं जीवन भर के लिए तो नहीं, पर एक दिन के लिए उसकी पत्नी जरूर बनूंगी। वो मेरी इस बात पर मान गया और तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन नहीं निभा सकी। मैं उससे मिलने नहीं जा पाई। इंतजार देखता देखता वो हमारी चौखट तक आ गया। मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना वचन निभा सकूं। मित्रों, पत्नी की ऐसी बात सुनकर पति की सांसें थम गई। और सच बात है मित्रों, कोई भी पति अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ देखना नहीं चाहेगा। सुरजावती का पति भी बड़ा अचरज में पड़ा था। वो काफी देर तक विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो किसी पर पुरुष की इच्छा रखती हो पति के रहते हुए। काफी देर सोचने विचारने के बाद उसने अपनी स्त्री को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी। पति की अनुमति मिलते ही सुरजावती भोजन का थाल लेकर वैश्य कुमार से मिलने के लिए चल दी। घोर अंधेरा था, रात्रि में वो उस बाग की ओर चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। सुरजावती को देखकर चोर ने उसका रास्ता रोक लिया। चोर ने पूछा कि तुम कौन हो और रात के अंधेरे में किससे मिलने जा रही हो। तब डरती हुई सुरजावती कहने लगी, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी जरूरी काम से बाग में जा रही हूं। चोर बोला, शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं एक चोर हूं और हाथ में आए हुए धन को कैसे छोड़ दूं। सुरजावती ने कहा, देखो तुम मेरे सारे गहने ले लो, मगर मुझे अपना वचन निभा लेने दो। चोर ने पूछा, कैसा वचन? तब सुरजावती ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया कि बड़ी सत्यवादिनी है जो अपना वचन निभाने के लिए अपने पति से आज्ञा लेकर आई है। चोर चोरी करना तो भूल गया, वो भी उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। सुरजावती ने कहा, ठीक है पहले मैं उससे मिलाऊं, लौटकर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चोर ने सोचा, इतनी वचन की पक्की है तो लौटकर जरूर आएगी। चोर उसी स्थान पर उसका इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ, सुरजावती उस वैश्य कुमार के पास पहुंची, उसे भोजन कराया। वैश्य कुमार ने देखा कि सुरजावती इतनी रात गई अपने वचन को निभाने के लिए मेरे पास आई है। वो उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न था, उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने कहा, हे सुरजावती, वैसे तो मैं तुझे जान से ज्यादा चाहता हूं, पर तुम एक दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो। उसने तुम पर विश्वास करके मुझसे मिलने भेज दिया। मैं उसके इस त्याग से समझ सकता हूं कि वो तुम्हें कितना चाहता है, जो तुम्हारी खुशी के लिए वो राजी हो गया। एक पति के लिए सबसे बुरा दिन होता है जब उसकी स्त्री किसी पर पुरुष से मिलने जाए। मैं उसके विश्वास और प्रेम की और तुम्हारे वचन की वली नहीं चढ़ा सकता। जाओ, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। इतना कहकर वैश्य कुमार ने सुरजावती को लौटा दिया। लौटकर सुरजावती उस चोर के पास आई। चोर ने पूछा, कहो जिससे तुम मिलने गई थी उससे मिल आई? तब सुरजावती ने बताया कि मैं उससे मिलने तो गई, पर उसने मेरी सत्यता देखकर मुझे छुआ तक नहीं। वैश्य कुमार ने जितनी बातें कही थी उसने सब चोर को सुना दी। सुरजावती के मुख से वैश्य कुमार की बातें सुनकर चोर का भी मनोभाव बदल गया। उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो जाओ, मैं भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूंगा। मित्रों, चोर उसे कुछ दूर तक छोड़ने आया। सुरजावती अपने पवित्र सील के साथ पति के पास लौट आई। पति ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा कि सुरजावती जैसी गई थी वैसी ही लौट आई है। उसके हाव भाव, शरीर की रूपरेखा और वस्त्रों को देखकर पता चलता है कि वो शुद्ध और पवित्र है। तो उसके पति ने उसे अखंडित सती मानकर उसका सम्मान किया। मित्रों, अब सवाल यह है, इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका रहा? उसके पति का, या उस वैश्य कुमार का, या फिर उस चोर का? पति का त्याग तो यह था कि उसने अपनी पत्नी की बात मानकर उसे दूसरे पुरुष के पास भेजा। वैश्य कुमार का त्याग यह था कि जाने कितने दिनों से वो सुरजावती से प्रेम कर रहा था और मिलने के लिए छटपटा रहा था। उसके लिए उसने साधु का वेश बनाया, घर द्वार छोड़कर दूसरे नगर में आया, फिर भी उसे जाने दिया। और चोर का त्याग यह था कि जिसका काम है चोरी करना, उसने स्त्री को तो छोड़ा ही, उसके गहनों को भी नहीं लूटा। इसका जवाब
आप हमें कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।